हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में लेक्चरर उर्दू का पेपर डिस्कस किया जाएगा। लेक्चरर उर्दू का ये पेपर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने 12 अगस्त 2017 को मुनक्किद किया था। व्यूवर्स, लेक्चरर उर्दू का पेपर 100 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल था। इस पेपर को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि अगर 100 क्वेश्चंस को हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। इसलिए आज हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। चलते हैं क्वेश्चंस की जानिब और इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 1, चंद हम असर किसकी खाका निगारी की तसनीफ है? चंद हम असर ये एक किताब का नाम है, ये मौलवी अब्दुल हक की तसनीफ है। मौलवी अब्दुल हक को उर्दू का बाप, फाउंडर ऑफ उर्दू, उर्दू का बानी कहा जाता है। विवर चंद हम असर किताब में 24 शख्सियात का जिक्र है। चंद हम असर तसनीफ मौलवी अब्दुल हक ने 1950 में शाया की। यहां पे एक चीज नोट कर लें, क्योंकि ये तमाम पेपर्स में ऐसे ही होगी। ये क्वेश्चन है, ये पेपर में आया था जो आपके साथ डिस्कस किया है, और उसके साथ ये जो शॉर्ट डिटेल में आपको डिटेल प्रोवाइड की जा रही है, ये एक्स्ट्रा डिटेल है आपकी फर्दर तैयारी के लिए, ताकि ऊपर वाले क्वेश्चंस के साथ आपके मजीद 2-3-4 क्वेश्चंस और तैयार हो सकें। सवाल नंबर 2, मर्द में दीदा किसके खाकों का मजमुआ है? मर्द में दीदा चिराग हसन हसरत के खाकों को का मजमुआ है। चिराग हसन हसरत के खाकों को इकट्ठा करके 2014 में ये किताब तरतीब दी गई, जिसका नाम मर्द में दीदा है। चिराग हसन हसरत ने कुल 16 किताबें लिखी। ये याद रखिए, क्योंकि बहुत से पेपर्स में उर्दू लेक्चरर के पूछा गया है चिराग हसन हसरत ने कुल कितनी किताबें लिखी। सवाल नंबर 3, बिकट कहानी का खालिक कौन है? बिकट कहानी का खालिक अफजल झंझानवी है। बिकट कहानी शुमाली हिंद में उर्दू शायरी का पहला मुस्तनद मजमुआ था। सवाल नंबर 4, तफले मकतब तरतीब से क्या मुराद है? तफले मकतबे तरतीब से मुराद है ना तजर्बा कार। सवाल नंबर 5, सरसर के क्या मायनी है? सरसर के मायनी है आंधी या तूफान। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले अगर आप ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। नोट कर लें कि ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर जॉब्स की तैयारी के लिए पास्ट एंड करंट पेपर्स अपलोड किए जाते हैं। सवाल नंबर 6, सिंध में उर्दू शायरी किसकी तख्लीक है? सिंध में उर्दू शायरी नबी बख्श खान बलोच की तख्लीक है। व्यूअर्स, नबी बख्श खान बलोच को इनकी खिदमात को सराहते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सितारा इम्तियाज और हलाले इम्तियाज से नवाजा इन्हें। सवाल नंबर 7, सरासीमगी का मुतरादिफ क्या है? सरासीमगी का मुतरादिफ है खौफ जदगी। सवाल नंबर 8, गुलशन हिंद किसका तज़किरा है? गुलशन हिंद मिर्जा अली लुतफ का तज़किरा है। तज़किरा गुलशन हिंद मिर्जा अली आतिफ की तख्लीक है, जिसे 1972 में सैयद शाह अताउर रहमान काकवी ने शाया किया। सवाल नंबर 9, मीठी छुरी ड्रामा किसने लिखा? मीठी छुरी ड्रामा आगा हशर ने लिखा। आगा हशर का पूरा नाम आगा हशर काश्मीरी था। आगा हशर काश्मीरी को उर्दू का शेक्सपियर भी कहा जाता है। सवाल नंबर 10, कसीदा किस जुबान का लफज है? कसीदा अरबी जुबान का लफज है।
कसीदा ऐसी शायरी को कहा जाता है जिसमें कसदन या इरादे से किसी की तारीफ या मुजम्मत की जाए। सवाल नंबर 11, पहली मसनवी कौन सी है? पहली मसनवी कदम राव पदम राव नामी ये किताब 4000 सफहात पर मुश्तमिल है, जिसे 1421 से 1434 के दरमियान फखरुद्दीन नजामी बेदार ने लिखा। सवाल नंबर 12, तरक्की पसंद तहरीक की पहली सदारत किसने की? तरक्की पसंद तहरीक की पहली सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की। सवाल नंबर 13, सोजो साज सनफ के एतबार से क्या है? सोजो साज सनफ के एतबार से शेरी मजमू है जिसे हफीज जलंदरी ने लिखा। सोजो साज के मुसन्नफ का नाम हफीज जलंदरी है। सवाल नंबर 14, बरेसगीर में उर्दू को सरकारी जुबान का दर्जा कब मिला? बरेसगीर में उर्दू को सरकारी जुबान का दर्जा 1837 में दिया गया। सवाल नंबर 15, बरसरे परखाश होना से क्या मुराद है? बरसरे परखाश होना से मुराद है दुश्मन होना। सवाल नंबर 16, रूहे इकबाल किसकी तसनीफ है? रूहे इकबाल यूसुफ हुसैन खान की तसनीफ है। डॉक्टर यूसुफ हुसैन खान ने रूहे इकबाल 1962 में शाया की। सवाल नंबर 17, उर्दू का लफ्ज पहली बार किस किताब में इस्तेमाल हुआ? उर्दू का लफ्ज पहली बार तज़के बाबरी में इस्तेमाल हुआ। तज़के बाबरी ये किताब का नाम है जिसे जहीरुद्दीन बाबर ने लिखा। तज़करे बाबरी को बाबर नामा भी कहा जाता है। इस किताब तज़के बाबरी या बाबर नामा में जहीरुद्दीन बाबर ने 1483 से लेकर 1530 तक अपनी जिंदगी के हालात बयान किए। तज़के बाबरी को या बाबर नामा को पहली बार 1589 में शाया किया गया। सवाल नंबर 18, पहली शायरा कौन है? उर्दू की पहली शायरा 18वीं सदी की माँ लका चंदाबाई को कहा जाता है। माँ लका चंदाबाई 18वीं सदी की शायरा हैं। ये वो पहली शायरा है जिन्होंने 18वीं सदी में उर्दू का पहला दीवान लिखा। सवाल नंबर 19, मंदरजा शेर में कौन सी सिफ्त इस्तेमाल हुई है? ना तेरे बंदों की ये दुनिया ना वो दुनिया, ना तेरे बंदों की ये दुनिया ना वो दुनिया, यहां जीने की पाबंदी वहां मरने की पाबंदी। इसमें जो सिफ्त इस्तेमाल हुई है उसे सिफ्ते लफ नशरे मुरतब कहा जाता है। सवाल नंबर 20, कुलियाते मजीद किसने मुरतब की? कुलियाते मजीद ख्वाजा जिक्रिया ने मुरतब की। कुलियाते मजीद अमजद, कुलियाते मजीद का पूरा नाम है, इस किताब का नाम कुलियाते मजीद अमजद। इस किताब को डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद जिक्रिया ने 1989 में मुरतब किया। सवाल नंबर 21, तिलिस्म ख्याल किसकी तसनीफ है? तिलिस्म ख्याल कृष्ण चंद्र की तसनीफ है। वीवर्स, कृष्ण चंद्र जो है ये 100 से ज्यादा कहानियां और नावल लिख चुके हैं। कृष्ण चंद्र उर्दू और हिंदी के राइटर लिखारी थे। कृष्ण चंद्र ने 1961 में इस्लाम कबूल किया और अपना नया नाम वकारुल मुल्क रखा। सवाल नंबर 22, तहसीनो तरदीद किसकी तसनीफ है? तहसीनो तरदीद
फतेह मोहम्मद मलक की तसनीफ है। प्रोफेसर फतेह मोहम्मद मलक को 2006 में सितारा इम्तियाज दिया गया। सवाल नंबर 23, यादों की दुनिया किसकी तसनीफ है? यादों की दुनिया यूसुफ हुसैन खान की तसनीफ है। डॉक्टर यूसुफ हुसैन खान ने यादों की दुनिया ये किताब 1967 में शाया की, पब्लिश की। सवाल नंबर 24, तर्जमे का फन किसकी किताब है? तर्जमे का फन जो है इस किताब के मुसन्निफ का नाम मिर्जा हामिद बेग है। सवाल नंबर 25, खूबरो नावल किसने लिखा? खूबरो नावल जो है जोगिंदर पाल ने लिखा। खूबरो नावल को जोगिंदर पाल ने 1991 में शाया किया। जी वीवर्स, इसके साथ ही हमें इजाजत दें। लेक्चरर उर्दू 2017 पेपर के पार्ट बी के साथ, पार्ट टू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट टू में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।